स्टार्ट करते हैं सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस बार का हमारा सिलेबस है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिक्स सेम पॉल साइंस ऑनर्स सिक्स सेमेस्टर का CC13 पेपर जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहला टॉपिक। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही पूरा डिटेल्स बनाया गया है, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में देखेंगे और बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडिंग हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, नेचर एंड स्कोप एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मतलब जनता, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, है ना। पहले इसके मीनिंग को थोड़ा समझते हैं आसान भाषा में कि आखिर ये क्या है। जैसे पब्लिक जनता और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, तो जनता को एक प्रशासन चलाती है, मतलब जैसे हमारे जो मंत्री हैं वो मंत्रालय संभालते हैं, वो सिर्फ एक ऑर्डर पास कर सकते हैं या ऑर्डर रेगुलेट कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मतलब उनका काम होता है एक नियम बनाना, लेकिन उस नियम को लागू करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे हमारे घरों में, इंडिया एक पितृ प्रधान देश है जहां पापा पैसा कमाते हैं और मम्मी घर चलाती हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, घर चलाती हैं, उस पैसे को लेती हैं और घर कैसे चलाया जा सकता है ये काम करती हैं। तो आप देखिए, आपके पापा ही क्यों नहीं कमाते हैं और क्यों नहीं चलाते हैं, दोनों ही तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? सब उनसे हैंडल थोड़ी हो रहा है, उनसे लगता है कि हम दोनों काम कर नहीं सकते। पैसे लाना एक अलग बात है और चलाना अलग बात है। सेम वैसे ही राज्य में भी, सरकार में भी पावर बटेगा, काम बटेगा, तो काम कानून बनाने का काम किसी और को दिया गया है और लागू करने का, प्रशासन चलाने का काम किसी और को दिया गया है। जैसे हमारी मम्मी डिसाइड करती हैं कि क्या बनेगा, सब्जी बनेगा, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कहाँ ट्यूशन पढ़ेगा, कितने रुपए फीस लग रहे हैं, कितना ट्यूशन हम अफोर्ड कर सकते हैं एक बच्चे के पीछे, दो ट्यूशन तो दो, तीन ट्यूशन तो तीन, ये सब कुछ हमारी मम्मियाँ करती हैं घर में, प्रशासन का काम देखने का। ठीक, पापा इस प्रशासन में नहीं घुसना पसंद करते हैं ज्यादातर मामलों में। पापा यही बोलते हैं, ये लो पैसा और बाकी तुम संभाल लो। ठीक है सर, तो ये है प्रशासन। सेम आप याद करो कि जब कोरोना आया था और अचानक लॉकडाउन हुआ था, तो सभी से कहा जा रहा था कि आप घर में रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग नोटिसेस, अलग अलग सर्कुलर पास करके अलग अलग राज्यों के जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या SP को सूचित किया कि भैया आप अपने इलाके को देखें और अपने इलाके में लोगों को कहें कि वो कहाँ रहें, अपने घर में। तो देखो, ऑर्डर कहाँ से पास होके आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, अलग अलग मुद्दे, जैसे अगर वो मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का होता तो कौन पास करता, स्टेट गवर्नमेंट पास करता, लेकिन वो मुद्दा विशाल था और पूरे भारत लेवल पे था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम सेक्रेटरी वगैरह, उनके द्वारा ही अलग अलग सर्कुलर पास किए गए कि सभी से निवेदन किया जाए कि वो अपने घर में रहें। और ये ऑर्डर को पालन कौन कर रहा था, जनता करवा कौन रहा था, गवर्नमेंट नहीं, DM और SP, और DM एक तैयार कर सकते, एक नक्शा तैयार कर सकते हैं, क्या तैयार कर सकते हैं कि कैसे काम होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमको इतने पुलिस वाले रास्ते पे चाहिए, हर नाके पे पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया, जो प्यार से मान रहे थे उनको प्यार से घर भेज दिया गया, जो डंडा खा के मान रहे थे उन्हें डंडा खा के भेजा गया, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं रास्ते पे देखने के लिए कि कहाँ भीड़ है, कहाँ भीड़ नहीं है। तो ये प्रशासन संभालने का काम है सर। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो जो भानु प्रताप सिंह की जो बहू थी, ठीक, वो क्या संभाल रही थी, प्रशासन संभाल रही थी। ठीक, उनका नेतागिरी से कोई लेना देना है नहीं। क्या वो किसी इलेक्शन में खड़ी थी नहीं। वो IAS एग्जाम देने गई थी, मतलब UPSC के एग्जाम में बैठी थी, UPSC के एग्जाम जब पास किया तो उन्हें उस जिले का IAS बना के भेजा गया था, जिसे आम भाषा में मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह ले या कलेक्टर कह ले। ठीक, तो उनका काम क्या है कि उस जिले का पूरा प्रशासन निर्धारित करना,
वो प्रशासन कैसे चलेगा, ठीक, वहां के नियम क्या होंगे, कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही किया था उन्होंने। तो अभी क्या जो वो मतलब वो जो महिला थी वो क्या बहुत बड़ी पहलवान थी, अकेले लड़ लेंगी सबसे, ऐसा नहीं है। तो वो सिर्फ प्रशासन संभालती हैं, तो एक प्रशासनिक अफसर को एक पुलिस की बहुत जरूरत पड़ती है, पड़ेगी ही। तो एसपी तब काम आते हैं, ठीक। आईपीएस और आईएएस में बस इतना अंतर है कि आईपीएस पुलिस सेवा संभालता है, क्या संभालता है, पुलिस सेवा, और आईएएस प्रशासन संभालते हैं। आईएएस क्या संभालते हैं, प्रशासन। जैसे आज जो जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये जिला मजिस्ट्रेट ही, मतलब आज जो मोदी जी के सलाहकार हैं या जो चीफ सेक्रेटरी हैं मोदी जी के या पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी हैं, कहीं के भी जितने ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आईएएस ही बनते हैं, क्योंकि आईएएस को एक्सपीरियंस है कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है। प्रशासन चलाना अपने आप में एक बहुत टैलेंटेड वर्क है, ठीक। तो पुलिस के माध्यम से वो प्रशासन चलाई जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, मैंने कहा कि सभी लोग यहां से हट जाएं, तो लोग हट जाएंगे, वहां पे मुझे पुलिस हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वहां पे मुझे पुलिस है। तो जब पुलिस हेल्प मिलेगा तो सब लोग अपने आप ही हट जाएंगे, ठीक। आईएएस एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब वो प्लानिंग कर सकता है, वो प्लान करता है, जैसे हर एक लेवल पे है। आप देखें गांव में जहां पे मुखिया होता है, गांव में सबसे नीचे लेवल पे चलते हैं, सबसे नीचे लेवल पे गांव में मुखिया होता है, तो आप बताओ मुखिया को काउंटर करने के लिए कौन होता है, बीडीओ होता है, जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ क्या कोई नेतागिरी करके आया है, एग्जाम नहीं गया, और मुखिया जी नेतागिरी करके आए हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां नेतागिरी होना भी बहुत जरूरी है, और ऐसा कोई होना चाहिए जो उसको काउंटर कर सके, मतलब उसको कंट्रोल कर सके, या फिर उसके किए गए कामों का लेखा जोखा कोई ना कोई संभाले करे। जैसे मान लो कि इतना पैसा आया, 1 करोड़ रुपया आया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होते हुए आएगा, डीएम हो के आएगा, फिर से एसडीओ हो के आएगा, और उस इलाके के बीडीओ होते हुए आएगा। खर्च मुखिया जी के जरिए होगा, लेकिन जब मुखिया जी खर्च करेंगे तो उसका तो एक कहां कहां खर्च किया उसका ब्यौरा तैयार करना होगा, तो ब्यौरा कहां सबमिट करना होगा, बीडीओ के पास, ठीक है सर। तो बीडीओ चेक करेगा कि सब कुछ एकदम ओके है कि नहीं, मतलब आखिर आय और खर्च में तो तालमेल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता आय इतना ज्यादा, मतलब खर्च इतना ज्यादा और आय इतना कम, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता, मतलब तालमेल मिलना ही चाहिए। आपको एक और बात बता दें, आपको क्या ये पता है कि जब पंचायत इलेक्शन होता है तो सिर्फ मुखिया का चुनाव नहीं होता है, वहां पे एक पंचायत को कई मेंबर मिलके बनाते हैं, एक जन प्रधान होता है, एक जन उप प्रधान होता है, और बाकी 10-12 लोग मेंबर होते हैं उस पंचायत के, ओके? अब मान लो कि 12 लोग हैं और एक उप प्रधान को लेके 13 लोग हो गए, और प्रधान को लेके 14 लोग हो गए। अब मान लो कि ये 13 लोगों में प्रधान को लेके डिससैटिस्फेक्शन फैल चुका है, मतलब लोग अब असंतुष्ट हैं, नहीं चाहते हैं कि हमको ये प्रधान चाहिए, मुखिया बदला जाए। जैसे प्रधानमंत्री को बदलना है तो क्या करना होगा, पार्लियामेंट के जितने सदस्य होंगे वो अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, अविश्वास प्रस्ताव, सुना होगा इस बारे में कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, और वोटिंग में अगर मोदी जी के विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े तो उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट सेंट्रल लेवल पे है, गांव लेवल पे भी तो होना चाहिए, मुखिया भी तो हटाया जा सकता है, क्योंकि 13 मेंबर तो उस पर विश्वास कर ही नहीं रहे, उनको अब अविश्वास है, क्या है, अविश्वास होता है कभी कभी, होता है कभी कभी, कभी कभी क्या कैसे होता है, मान लो कि बाकी जितना मेंबर है सब टीएमसी का है और जो प्रधान जीता था वो बीजेपी का है, तो नहीं होगा,
उनमें तो क्लैश होगा ही होगा, झगड़ा होगा ही होगा। अभी ये लोग क्या करेंगे, एक अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? प्रस्ताव रखेंगे और एक मीटिंग बुलाएंगे। तो ये मीटिंग कौन बुला सकता है? ये जितने मेंबर हैं ये लोग वीडियो को चिट्ठी लिखेंगे। किसको? वीडियो को। तो और वीडियो फिर वो मीटिंग बुलाएगा। तो देखें कौन प्रशासन कर रहा है, ये शासन कौन चला रहा है? वीडियो, है ना। तो प्रशासन अभी भी वीडियो के हाथ में रखा गया। आप देखें ऐसा नहीं है कि ये 13 लोग चाहे और प्रधान को भगा देगा, ऐसा नहीं है। पहले इन 13 को एक चिट्ठी लिखना होगा। किसको? वीडियो को। वीडियो बाबू आप कृपया करके एक मीटिंग बुलाइए। किस चीज का मीटिंग? हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं अपने प्रधान के खिलाफ, क्योंकि हमारे जितने भी सदस्य ये चिट्ठी लिख रहे हैं हमें अब अपने प्रधान पे विश्वास नहीं है। तो मीटिंग कौन बुलाएगा? वीडियो। तो वीडियो को पावर दिया गया कि नहीं दिया गया? तो ये कैसी पावर है? प्रशासनिक पावर है। प्रशासन को चलाने का ही पावर तो प्रशासनिक पावर होती है। तो वीडियो से ऊपर आते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, उनसे ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सब में 3-3 कॉन्सेप्ट। हाँ, सब में हर टायर पे एक एक रेगुलेटिंग इंसान बैठा हुआ है। मतलब आप अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो प्रशासनिक अफसर है उसकी भी भूमिका होगी। वो प्रधान है, बस एक पार्टी से जीत के आया है और वीडियो को लॉलीपॉप पकड़ा देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके पास भी पावर दिए गए हैं संविधान के जरिए और उसको भी दिए गए हैं। सबका अपना अपना पावर है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप देखो कि बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब अगर आईएएस या पुलिस वाले ये ना होते तो क्या अंग्रेज हम पे शासन कर पाते? आपकी जानकारी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी एग्जाम पास की थी? यूपीएससी सर। हाँ, जिसको उस वक्त आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। मतलब अगर वो थर्ड आए थे, अगर वो पास करके नौकरी ज्वाइन कर लेते तो वो एक सिविल सर्वेंट होते। किसके? अंग्रेजों के। पास तो वो हो चुके थे लेकिन उन्होंने वो नौकरी की नहीं। तो आप देखो कि राजा रानी सभी लोग अपने अंदर कुछ अफसर रखते हैं, स्मार्ट अफसर। सिविल सर्वेंट या सिविल एग्जाम इतना हार्ड क्यों है? सिविल सर्विस एग्जाम क्योंकि जिसको आप रखेंगे आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। मोदी जी जो सिविल सर्वेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ लिख के तैयार करके दे रहा है ना, उसी को बेस करके मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उसी को बेस करके मोदी जी पॉलिसी समझा रहे हैं। तो आखिर वो किसी चलते फिरते को तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया जा सकता। और ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर अंग्रेजों के पास नहीं होते तो हम पे कभी शासन नहीं कर पाते। आप सोच के देखें कि अंग्रेज बहुत कम थे नंबर्स में। भारत में अंग्रेज कितने थे? कम। भारत की संख्या, जनसंख्या उस वक्त 30 करोड़ के आसपास थी, तब भी हम बहुत ज्यादा थे। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुलिस सेवा शुरू की। क्या शुरू किया? मतलब जो पुलिस में भर्ती होना चाहता है इंडियंस हो सकता है, जो सिविल सर्विस में भर्ती होना चाहता है हो सकता है। हमें वो लग रहा था कि नौकरी मिल रही है, हमें लग रहा था कि वो नौकरी, लेकिन हम ये नौकरी मिल नहीं रही थी, ये हम एक माध्यम थे हमारे ही देश को कब्जा करवाने में, ठीक है सर। क्योंकि मान लो अगर आपको कहा जाए कि आज से आप पुलिस अफसर, तो आप नहीं चाहेंगे कि हाँ बढ़िया हमको थोड़ी दिक्कत है मेरा। इसीलिए एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आप देखें कि मुखिया जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है लेकिन वीडियो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव ये भी है, एग्जीक्यूटिव वो भी है, दोनों एग्जीक्यूटिव है लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम आज से शुरू नहीं हुआ, राजा महाराजाओं के समय भी था। क्या जो राजा चंद्रगुप्त तो जब राजा रहे होंगे तो क्या वो टैक्स कलेक्शन खुद जाके कर रहे होंगे? नहीं। जैसे उस वक्त भी हमने पढ़ा है राजा सेनापति है ना, अलग अलग सिपाही, खजांची मतलब जो खजाना मतलब रखता है, राजदरबारी है ना, तो अलग अलग अफसर रखे जाते थे जो कि राजाओं का काम
करते थे उस दौरान, तो वैसे ही आज अगर राजाओं को बदल दिया जाए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो ज्यादातर भाषण देने का, रैली करने का यही काम करते हैं, तो राज्य कौन चलाएगा? जिला कौन चलाएगा? ठीक है सर, तो उसके लिए कौन चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक चाहिए। प्रशासक क्या बदल जाता है 5 साल में? नहीं, वो लगभग 60 साल, 62 साल या 65 साल, अलग अलग रेगुलेशन बनाया गया है, मतलब कौन कब रिटायर्ड होगा। ठीक, लेकिन मंत्री 5 साल बाद भी वो बदल सकता है। तो आप देखो कि एक जन को परमानेंट रखा गया और एक जन को टेम्पररी रखा गया, क्यों? ताकि इससे डेमोक्रेसी भी जिंदा रहे, ताकि इससे डेमोक्रेसी भी जिंदा रहे और इससे सरकार भी चलता रहे। आज अचानक कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का देहांत हो जाए तो क्या वो जिला काम करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि वहां पे प्रशासक है। क्लियर है सर? तो यहां दो शब्द हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन और एक है पब्लिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निकोलस हेनरी हैज आइडेंटिफाइड 3 डायमेंशन, एजेंसी, इंटरेस्ट, एक्सेस। उन्होंने 3 बारे में बात की है, एजेंसी, इंटरेस्ट और एक्सेस, फॉर डिफरेंशिएटिंग पब्लिकनेस एंड प्राइवेटनेस। ठीक, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? Public. वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, वो बीडीओ प्रधान को हटाने का जो फैसला होगा वो भी पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। आगे, ही बिलीव्स दैट द टर्म पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट एजेंसी। उनका मानना है कि पब्लिक जो शब्द है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिसका मतलब गवर्नमेंट एजेंसी होता है। तो बीडीओ एक गवर्नमेंट एजेंट है, एंट्रस्टेड विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर क्या होता है? सामाजिक भार होता है। एंड दीज पब्लिक एजेंसीज आर आउटरेजियसली एक्सेसिबल टू द पीपल एट लार्ज, और ये जनता तक कम्युनिकेट कर सकती है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनसे जनता मिल सकती है। अगर एक इंसान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहता है, मिल सकता है। अगर एक इंसान बीडीओ से, एसडीओ से, इनसे मिलना चाहता है, मिल सकता है, लेटर लिख के अपॉइंटमेंट लेके मिल सकता है। तो देखे, पब्लिक का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, अर्जी लिख सकता है, भले मिल नहीं सकता, चिट्ठी तो लिख सकता है, चिट्ठी लिख के भेज सकता है। आगे, बट हेनरी हिमसेल्फ इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट दीज आर इन नो वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रादर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। द डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन नॉट ओनली क्लेरिफाई पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट डेमोन्स्ट्रेट पब्लिकनेस एज वेल। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निकोल हेनरी अपनी बात कर रहे हैं कि वो ये नहीं मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ, मतलब जो चला रहा है वही जरूरी है, पब्लिक भी जरूरी है, तभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। हेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ जेनरिक टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो यूनिक बिकॉज इट्स एजेंसी, इंटरेस्ट एंड एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं तो समाज का चलना पॉसिबल नहीं होगा। आप सोचो कि आप फटाफट एक गाड़ी निकालती हैं और कहीं जाना होता है और आप वहां पहुंच जाती हैं, आपने जो नोटिस नहीं किया ना सर, वो ये नहीं किया कि आपने नहीं देखा कि कोई हवलदार या कॉन्स्टेबल या सार्जेंट बीच रास्ते में रास्ता क्लियर करवाया, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सब काम हो रहा है, बीच में पुलिस वाले खड़े हैं जो लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद कर रहे हैं, तो जो वहां खड़ा है उसको भी कोई निर्देश दे रहा है, और जो निर्देश दे रहा है उसके ऊपर भी कोई निर्देशक है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर ही कहेंगे। अब देखो, जब कोई मंत्री आने वाला होता है उससे पहले ही तय हो जाता है कि पब्लिक आज किस रास्ते से जा रही है, जाएगी, और मंत्री जी किस रास्ते से जाएंगे, ये कौन तय कर सकता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है सर, प्रशासक। आ जाए, यहां देखिए ट्रेडिशनल डिफिनेशन पढ़ते हैं। पहला इंसान है विड्रो विल्सन, स्टेट्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ये क्या कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटेल्ड चीज है जिसमें सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ होता है। सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ क्या होता है? जैसे मान लो आपके पापा को मन किया कि आज चिकन खाएंगे, किसको मन किया? पापा। मन किया कि आज चिकन खाएंगे, तो पापा को मान लेते हैं मंत्री, पापा को मान लेते हैं मंत्री, ठीक,
मंत्री जी को आज मन किया है चिकन खाएंगे, तो मंत्री जी किससे कहेंगे? अपने चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, मतलब किससे कहेंगे? मम्मी से, जो कि एक आईएएस है, जो कि आईएएस है। तो मम्मी से कहा कि हमको आज चिकन खाने का मन है। अब आईएएस के पास बहुत सारे काम है, आईएएस कोई नल्ला आदमी नहीं है, बहुत काम है, है ना? उसका काम है बस जो ऊपर से ऑर्डर आया है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। अब कैसे होगा? अच्छा, अब मम्मी ने देखा कि मेरे तीन बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला ज्यादा फ्री है, घूम रहा है, तो उसको बोली कि जाओ मार्केट से लेके एक किलो चिकन लेके आना। ठीक है, चिकन आ गया। फिर देखिए कि उनकी जो बेटी है दूसरे नंबर पे, वो बैठ के सीरियल देख रही है। ठीक, तो मसाला बनाओ। तो बेटी को बोल दिया कि ठीक है तुम ये चिकन बनाओ, तब तक हम आते हैं उस फलाने से पैसा लेके, जो आज देने वाला था पैसा, हम पैसा लेके आते हैं, तब तक तुम चिकन बनाओ। ठीक है सर। तो देखिए मंत्री जी ने कहा कि हमको आज चिकन खाना है, तो चिकन बन भी रहा। मंत्री जी का इम्पोर्टेंट चीज है पैसा, वो पैसा आईएएस लाने के लिए तैयारी भी कर चुका है। तो आईएएस का काम है, मतलब उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, आईएएस का मतलब सिर्फ आईएएस नहीं करना चाहते, बीडीओ, एसडीओ, डीएम, है ना, एसपी, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक, ये सभी प्रशासक है, चलाते हैं सिस्टम को। तो सभी का काम होता है कि जो ऊपर से ऑर्डर है, जो लॉ है, वो लागू हो जाना चाहिए। ठीक है सर। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कोई लॉ अप्लाइड होता है, क्या होता है अप्लाइड, पहले दो शब्द समझ लें, एग्जीक्यूट और अप्लाई। एग्जीक्यूट मतलब जब भी कोई कानून बनेगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको कहूं कि रोज 2 घंटा पढ़ना चाहिए, और आप अगर पढ़ती हैं तो मेरा कहा आप मान रही हैं, ये एग्जीक्यूशन है। जब भी पार्लियामेंट से कोई कानून पास होता है तो उसका एग्जीक्यूशन होता है, क्या होता है, समाज में वो अप्लाई होता है। अप्लाई कराने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का। संसद का काम सिर्फ कानून पास करके देने का है। संसद का काम था ट्रिपल तलाक पास कर दिया। यस सर। संसद का काम था ट्रिपल तलाक पास कर दिया। ओके, पास हो गया। अब जब ट्रिपल का तलाक पास हो गया तो पुलिस का काम है ना क्या करना, कि जिसने तीन बार तलाक बोला है उसको पकड़े और जेल ले जाए। यह है एग्जीक्यूशन। ठीक है। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ का कुछ भी अप्लाई होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही कहा जाता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एडमिनिस्ट्रेशन। मोदी जी ने कहा कि 2022 तक भारत स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ। तो ये कहने के लिए तो कह दिया, इसको अप्लाई भी तो करना होगा, इसको एडमिनिस्टर भी तो करना होगा। तो कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। तो कौन होगा इस एडमिनिस्ट्रेटर का, कौन होगा यहाँ? सब जिले के बता, जो डीएम है, डीएम कचरा साफ करवाएगा, वो आदेश देंगे, जो उससे नीचे होगा वो करवाएगा। नहीं, आपको मालूम है कि हम किस इलाके में रहते हैं? कॉर्पोरेशन। तो कहीं पे पंचायत है, कहीं पे म्यूनिसपैलिटी है, तो वो म्यूनिसपैलिटी, कॉर्पोरेशन और पंचायत किस लिए बनाया गया? उस इलाकों की देखरेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। ठीक, तो हर कॉर्पोरेशन या म्यूनिसपैलिटी का मेयर होता है। वो मेयर अपने कर्मचारियों को क्या करेगा? आदेश देगा। वहां पे मेयर एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि वो खुद तो जाके झाड़ू नहीं लगाएगा ना, अपने कर्मचारियों को ही ना बोलेगा कि तुम्हारा काम क्या है, कि पूरा इलाका साफ रहना चाहिए। आप देखो जब कोई मंत्री आने वाला होता है तो एक भी कचरा दिखता है नहीं, और एकदम चूना वो है ना, ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के एकदम रेडी रहता है रास्ता। तो किसी ने निर्देश तो दिया ही होगा। यह है एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी कोई कानून, कोई ऑर्डर, कोई सर्कुलर पास हुआ है तो उसको लागू करना है, और जो लागू कराएगा उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे।
ठीक है सर। देखें, एमी डिमॉक एंड जियो डिमॉक ये दो इंसान हैं जिन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा, इन्होंने नया कंसेप्ट के बारे में बताया। लाइक द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल वांट थ्रू गवर्नमेंट। जैसे लोग पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सब्जेक्ट है जिसको लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, जिसको लोग सरकार से उम्मीद करते हैं। जैसे हम पानी का उम्मीद करते हैं, बिजली का उम्मीद करते हैं, साफ रास्तों की उम्मीद करते हैं और कचरा साफ हो जाने की उम्मीद करते हैं, ये सारी उम्मीद करते हैं। और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कानून बना हुआ है, लागू करने वाला भी बैठा हुआ है, उसका काम है वो करना। ठीक है सर, यह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट। हाउ दे गो अबाउट गेटिंग इट, इन एडिशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इंफेसिसाइज द मेथड्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। जैसे आप देखिए कि कोरोना फैल रहा है, इसलिए आप देखिए कि कभी कभी ट्रेन बंद हो जा रहा है, ट्रेन 7 बजे तक चलेगा, ट्रेन 10 बजे तक चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगा, है ना, या फिर मास्क पहनो। तो ये जो नियम गाइडलाइंस तैयार हो रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है। तो जो कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे दिल्ली में एक बार पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था, क्या बढ़ गया था, पॉल्यूशन बहुत, दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन रेट सबसे ज्यादा होता है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में किसी ना किसी ने वो लॉ पास किया होगा, नियम पास किया, कहा कि ऑड और इवन फॉर्मूला। क्या ऑड और इवन? ऑड इवन क्या होता है कि मतलब एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 यस सर, और एक दिन 2, 4, 6, 8, 0 ठीक। एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर की, मतलब लास्ट वाला डिजिट देख के। क्यों ऐसा? ताकि पॉल्यूशन कम हो। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है, एक मेथड है, एक तरीका है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ही तय करना है कि वो कैसे समाज में उस नियम कानून को पालन करवाता है। Thus, public administration is much concerned with what government does it, how it does it. तो public administration यही बात करता है कि कैसे government के नियम लागू होते हैं, लागू किए जाते हैं। Public administration is the area of study and practice where law and policy recommended carried out. James W. Fessler has further extended the scope of public administration and defined that public administration is policy execution. एंड देखे पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसी मतलब नियम, एग्जीक्यूशन मतलब लागू करना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि जो पॉलिसी तैयार हुई है उसको लागू करो। जैसे आधार, आधार का जब बना होगा तो आधार कानून पास करने वाले पास कर दिया, आधार कार्ड बनवाना घूम घूम के, लोगों का अंगूठा लेना, आंख का प्रिंट लेना, ठीक, ये तो किसी ने किया, इसके लिए तो किसी ने प्लान बनाया होगा, किसने कुछ ग्रुप होगी जो इधर जाएगा, कुछ ग्रुप होगा जो उधर जाएगा, इस टेक्निक से हम लोग काम करेंगे, है ना। तो वो जो किया वो है एडमिनिस्ट्रेटर, जो अंगूठा ले रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जो लागू किया, कैसे जो लागू किया है, जो प्लान बनाया है, जो बताया है कि क्या करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे उस वीडियो का उस मुखिया के इलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है, नहीं, लेकिन जब मुखिया को हटाना है तब रोल है। क्यों? अगर उसको अपनी मर्जी से हटा दिया जाए, अगर ये 13 लोग खुद हटा दें, तो ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है। उसको भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक तो जनरल इलेक्शन होना चाहिए, एक वोटिंग होना चाहिए जो कि सार्वजनिक हो, ताकि किसी को ये ना लगे कि पक्षपात हुआ है। तो ये वीडियो को काम दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड ऑल्सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा शब्द है ब्यूरोक्रेसी, ठीक, नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, इनकम टैक्स, आईआरएस, आईएफएस, जितने भी अफसर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो सरकार का नियम को पालन करते हुए आगे कानून बनाते हैं, वो सभी ब्यूरोक्रेसी में ही आते हैं। और उसका एक अलग नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये दोनों डिफिनेशन हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स थ्रू अ टूल नोन एज ब्यूरोक्रेसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा नाम है ना, मतलब जनता पे प्रशासन जो करता है उसे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, जिसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरएस, आईएफएस, इन्हें क्या जब चाहे तब हटाया जा सकता है? नहीं, नहीं। मोदी जी और राहुल गांधी या जितने नेता है उन्हें हटाया जा सकता है, 5 साल में इलेक्शन होंगे और आउट। लेकिन जो नौकरी से आया है, जो ब्यूरोक्रेट है, उसे नहीं हटा सकता जब तक वो रिटायर्ड ना हो या कोई संगीन आरोप ना हो। विच इज अ प्रोफेशनल एंड नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखें क्या लिखा है, प्रोफेशनल एंड नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द स्टैंडर्ड डिटरमाइंड फॉर द पर्पस। जैसा सरकार नियम तैयार करेगी उसको वैसा काम करना है, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होगा। आप देखें, जब भी किसी पुलिस को इलेक्शन में खड़ा होता होता है, जब भी किसी पुलिस वाले को या इनकम टैक्स ऑफिसर को, अब वो चाहता है कि वो राजनीति में आ जाए परमानेंटली, तो क्या करना होता है? क्या वो कर सकता है, पुलिस वाला भी रहे और इलेक्शन में भी खड़ा हो जाए? नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा दे तभी वो पॉलिटिकल में ज्वाइन करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ तक आप नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, आप एक वचनबद्ध है। आप जब शपथ लिए थे, जब जॉब ज्वाइन किए थे, तो आपने कहा था कि आप पॉलिटिकल काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेता बदलता है, सरकार बदलती है। टीएमसी का है तो सीपीएम का होगा, कांग्रेस का होगा, लेकिन जो प्रशासक है उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे, द डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड इट्स पर्पस एंड स्कोप डायरेक्ट इट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द ब्यूरोक्रेसी कीपिंग इन व्यू पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बाय द सोसाइटी कंसर्न्ड। इट इज अ मींस टू एन एंड एंड नॉट एन एंड टू इटसेल्फ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने में मदद करता है। क्योंकि आप सोचो कि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री सरकार चलाता तो क्या अच्छा चलाता? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, इतनी जनसंख्या कैसे चला सकता है? तो पहली बात की पावर डिवाइड होना चाहिए। पावर डिवाइड हुआ, ठीक, तो अगर सबके सब टेम्पररी रहेंगे तो सरकार तो धड़ाम से गिर जाएगी। एक दिन इलेक्शन में आ रहा था और मुंह के बल, ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि जैसे ममता दीदी 2021 में जीती हैं और 2026 में सारे आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाले सब रिटायर्ड हो जाएं और 2026 के बाद इलेक्शन हो तो फिर सब चुने जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल हटते हैं। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आते हैं वो लोग वैसे ही रहते हैं, हैं। सरकारें बदलती हैं, सरकार बन के आती हैं और वो फिर अब नई जो आई है वो नियम बना के देगी और इसको चलाना होगा। सर, ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कैसे रहता है? सर, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट 2 लोगों से बना होता है, जिसमें पॉलिटिकल भी होते हैं और नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं। आईएएस, आईपीएस एग्जीक्यूटिव भी है लेकिन नॉन पॉलिटिकल है। मोदी जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब एग्जीक्यूटिव है लेकिन पॉलिटिकल है। राष्ट्रपति वैसे तो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं यहाँ वो लग नहीं रहा है कि वो पॉलिटिकल नहीं है ना, वो पूरा पॉलिटिक्स के रूप में ही काम करते हैं। आगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली रेफर्स टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर फोर्स करता है? एग्जीक्यूटिव। समझ लें, एग्जीक्यूटिव शब्द का मतलब लागू करने वाले ब्रांच से। नियम कानून पास हो गया है, उसको क्या करना है? लागू करना है। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर का, कि इसका नेचर कैसा है, मतलब प्रकृति कैसी है। व्हाट कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? द आंसर लाइज इन इट्स प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स। द सिंपल वर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इशू इन द डोमेन discipline determine its nature. Further, public administration is a process and therefore series of activities undertaken determine the nature of process of public administration. इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। इसका नेचर है, प्रकृति है कि ये लागू करेगा। क्या करेगा? लागू करेगा, नियम कानून, कानून को पालन कराएगा, ठीक, एनफोर्स करेगा। और ये
ये जो भी कानून तैयार हुए हैं, नियम तैयार हुए हैं, उन्हें समाज में बनाए रखेगा, मेंटेन करेगा। जैसे पुलिस का काम है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखनी, पुलिस का काम है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखनी, ठीक है सर। स्कोप है ना, स्कोप मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, स्कोप मतलब कि उसका क्षेत्र क्या है। जैसे मैथ्स में ऑब्वियसली राज्य क्या है पढ़ेंगे क्या? नहीं सर। राज्य क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट का स्कोप है? पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, सिटीजनशिप क्या है, कैसे मिलती है, ये पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है और कितने दूर तक है, इसमें दो टाइप दिए गए हैं, दो अलग अलग हेडिंग बनाई गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज ए स्टेट एक्टिविटी, मतलब राज्य का वो काम है, राज्य का वो काम है। अगर मान लो कि आज एक जिला मजिस्ट्रेट चोर निकले, पैसा हड़प के खा जाए, ठीक, तो सिर्फ वही बदनाम होगा या राज्य सरकार भी बदनाम होगी? पहला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज ए स्टेट एक्टिविटी, द स्कोप स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डिसिप्लिन। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्री नॉर्मली कॉरेस्पॉन्ड टू द स्टेट एक्टिविटीज। राज्य के अनुसार काम कराया जाता है, राज्य जितना भी काम करता है, मतलब ममता दीदी जितना भी काम करेंगी, राज्य काम कर रहा है, जितना भी काम करेंगी वो इन्हीं के जरिए काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए ही काम कर रही है। जैसे हम कुछ दिनों पहले दीदी का एक भाषण सुने जिसमें दीदी ने कहा है कि 1 सितंबर को, कब? 1 सितंबर ये आने वाला, ठीक, 1 सितंबर को एक रैली निकालेंगे दीदी, 100 बाजार से निकलेगा, सॉरी 100 बाजार से निकलेगा, कहां जाएगा ये दीदी बाद में डिसाइड कर लेंगे। दीदी ने ऐसे ही कहा कि देखो खुदा जावे सीटा पौरे डिसाइड करा होगा, किंतु 1 सितंबर, ठीक, एक्टर रैली बेरोगे, ठीक, उसके बाद उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें ये बोल रही हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिलों के, अलग अलग जिलों के, और जितने भी एसपी हैं, उनका काम है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और एसपी हैं जिलों के, उनका काम है कि जितने क्लब वाले हैं, जितने सारे क्लब वाले उस रैली में आने चाहिए। ये किसको काम दिया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को कहा जा रहा है कि तुमरा से दिन उधर के नियाजबे और ओरा जेहेतु रैली ते थकते होवे, मतलब वो लोग रैली में भी रहने चाहिए, ठीक है सर। तो आप देखो कि क्या ममता दीदी खुद जा रही है बुलाने, क्या खुद चलाएंगी संचार, एक रैली निकालना, प्रोटेक्शन देना, मुख्यमंत्री को प्रोटेक्शन देना, जनता को प्रोटेक्शन देना, ये सारा काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रशासन है, ठीक है सर। ये ओपन बोला, कुछ दिन बाद आप देखेंगे 1 सितंबर को रैली निकलेगी, ठीक है। हाँ, और दीदी ने कहा है कि इस बार हमारा दुर्गा पूजा बहुत एकदम चकाचक तरीके से मनाया जाएगा, अगर ओमिक्रॉन आ गया तो, और रेड रोड पे भसान से पहले रेड रोड पे सारे मूर्तियों का जुलूस निकलेगा, तो हर साल निकलते, नया बात नहीं है, मतलब और अच्छे से, एक ही साल निकला था, इस साल नहीं निकला था, और इस बार निकलेगा, जिसमें दीदी ने कहा है क्योंकि यूनेस्को ने कहा है कि दुर्गा पूजा हेरिटेज है, ठीक, इसलिए दीदी ने कहा है कि निकलेगा एकदम बढ़िया से, कोरोना को गोली, हाँ ऐसा दीदी ने कहा है अभी तक, आगे अगर कुछ बुरा ना हो तो। आगे, ऑब्वियसली द डेमोक्रेटिक स्टेट डील्स विद वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज एंड एक्टिविटीज अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन एंडोर्ड एंड एंट्रस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेलफेयर फिलोसफी। डेमोक्रेटिक राज्यों में बहुत सारे काम होते हैं, वेलफेयर मतलब जन कल्याण, वो सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। आप देखो मिड डे मील, आपको पता होगा कि हर स्कूल का इंस्पेक्टर होता है, मतलब हर 5 स्कूल 10 स्कूलों पे एक इंस्पेक्टर बताया जाता है, सरकार बनाती है, उसका इंस्पेक्टर का काम क्या है, उस सरकारी स्कूल में घूमना, देखना कि क्या खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, चावल अच्छे हैं कि नहीं, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक। तो देखें, हर प्रकार के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखे जा रहे हैं। देयरफॉर इन ट्रेडिशनल सेंस
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट स्टेट इन एक्शन एंड इन इंटरक्शन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इन एक्शन, कुछ काम करना, और इन इंटरक्शन मतलब जनता और सरकार के बीच एक माध्यम का काम करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक. अगर आप अभी दीदी के खिलाफ मोर्चा निकाल के पहुंचेंगी नबान्नो, तो बीच में कौन होगा? इधर डीएम, इधर एसपी, पूरी पुलिस फोर्स, और आपको यहां से वहां तक जाने नहीं देगी. क्लियर है सर? अब समझ में आ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ खड़ा है? वहां खड़ा है. सर, ऐसा होता है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का जो है इंस्पेक्टर है उसको चेंज करके कहीं और डिस्ट्रिक्ट में ले जाए? सर, डिस्ट्रिक्ट का तो इंस्पेक्टर नहीं होता. जैसे नहीं सर, जैसे डीएम है, डीएम है, उसको जैसे यू एरिया का ट्रांसफर कर दिया, वो दीदी करती है ना? किया जा सकता है, दीदी नहीं करती है. उसके ऊपर भी एक अलग अथॉरिटी काम करती है. दीदी नहीं कर सकती, मतलब दीदी को वो पावर नहीं है कि ट्रांसफर कर दे. मतलब वो अलग डिपार्टमेंट को पावर है. एक न्यूज में दिखा रहा, मतलब मेरा हुआ था जब वो शपथ ले रहे थे, उसके बाद ही दिखाया था कि वो एक्शन ली है कि जो जो एरिया पे वो जो है मतलब अपने हिसाब से मतलब ये रखेगी. हाँ, लेके आती है बाद में, लेके आती है फील्ड किया जाए सरकार में आने के बाद. अच्छा, जैसे अभी मोदी जी ने ये एक बिल लाया था राज्य सरकार में. मोदी जी की सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक बिल लाया था जिसमें कहा था कि सरकार मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग आईएएस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, जिनका अपॉइंटमेंट यूपीएससी के द्वारा होता है. यस सर, है ना? तो लगभग 600 आईएएस हैं एग्जिस्टिंग, और सरकार कह रही है कि 40% आईएएस, कितनी परसेंट? केंद्र सरकार जब चाहे जहां से चाहे वापस ले सकती है. सर, इसको भी तो आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं? यस. क्या बोल रहे हैं कि 40% आईएएस जब उनको बंद करेगा तब केंद्र सरकार उनको लेके कहीं और ट्रांसफर कर सकता है. अब मान लो कि आप आईएएस हो और किसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट केस पे या इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सरकार के किसी इंसान को लगा कि अरे ये कैसे कर रहे हैं, तो अभी आपका कहाँ जाना है? ठीक. तो ये सरकार जो कर रही है, ये क्या अपने पावर से ज्यादा काम नहीं कर रही है? ये केंद्रीकरण हो रहा है. क्या हो रहा है? पावर जितना बटा रहता है वो विकेंद्रीकरण है. क्या है? विकेंद्रीकरण. और जितना अपने पास खींचना चाहेंगे उसको कहते हैं केंद्रीकरण. क्लियर है सर? सरकार का सरकार खुद जाके सबसे नहीं मिल सकती है, इसलिए ब्यूरोक्रेट से आईएएस आईपीएस यही हाथ पैर है सरकार के. ये कौन है? हाथ पैर. तो देखो, ये सब कुछ स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. इट परफॉर्म्स द एक्टिविटीज रेगुलेटिंग पब्लिक लाइफ, एक्सटेंडिंग वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, डिलीवरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजंस अगेंस्ट नेचुरल एंड ह्यूमन डिजाइन थ्रेट्स. In addition to this, the management of various governments owned enterprises regulating private individual business and non-business entities. Thus, public administration in modern state covers every area. Aaj public administration ke andar sab kuch aata hai. Sab kuch dekhta hai. Within the ambit of public policy. Kis rule mein? Public policy. Matlab janta ki neetiyon ke anusar wo sab kuch dekh sakta hai. एंड मेक्स द स्कोप वेरी वाइड. आज उसका स्कोप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो बहुत बड़ा है. मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल का जो मिड डे मील का खाना होता है, वो जो इंस्पेक्टर देख रहा है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है. राइट. जो ऑफिसर्स अनाथालय घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कैसा काम करता है, कहीं कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही कॉन्फाइंड है, ऐसा नहीं. ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है. ऐसा. अब मार्क्स की बात माने तो मार्क्स हमेशा दूसरे तरह पे ऐसे सोचते हैं. मार्क्स हमेशा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं. तो मार्क्स का कहना है कि ये लोग बस माध्यम है, ये लोग बस माध्यम है. राज्य सरकारें जो करना चाहती हैं वो इनके द्वारा करवाती हैं. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन. स्टेट एक्टिविटी में तो हमने देखा कि कैसे वो काम करता है, अब डिसिप्लिन के रूप में भी काम करता है. क्या क्या काम करता है यहां पे देखें. हेनरी फेवल ने कहा था द लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, सेकंड पैरा, द लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट इंडिकेट्स दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेवल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग. तो देखें ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, प्लानिंग, प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग तैयार करना पड़ता है, गठन कमांडिंग निर्देश देना पड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग उनके साथ मिलके काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निर्देश दे दिया और वो वहां से, ऐसा नहीं होगा, उसके साथ रहना है. कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांच चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. आप देखो जब बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो बड़े बड़े एसपी डीएसपी कमिश्नर भी रास्ते पे होते हैं. yes, और वो भी ये ट्रैफिक क्लियर करवा रही होती है. ठीक, बड़े बड़े पद वाले भी होते हैं क्योंकि उस वक्त उनको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि मंत्री जा रहे हैं और कुछ हो जाएगा तो किसके ऊपर आएगा, उनके ऊपर आएगा. तो इसीलिए उनको प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइज भी करना है, कमांड भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है और कंट्रोल भी करना है. इसको एक शब्द में कहते हैं POSDCORB. नीचे आए देखें POSDRCORB. ठीक, पोस्ट कॉर व्यू, पोस्ट कॉर व्यू, पोस्ट कॉर व्यू, क्लियर है. इसमें देखें गुलिक इज द ओपिनियन, गुलिक इज द ओपिनियन दैट पोस्ट कॉर व्यू एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो दे मे एंगेज इन डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क. पहला प्लानिंग, देखे प्लानिंग मीन्स वर्किंग आउट इन अ ब्रॉड आउटलाइन, तैयार करना कि पानी कैसे बटेगा, तैयार करना कि मिड डे मील कैसे जाएगा, तैयार करना कि दीदी ने जो नियम बनाया है कि क्लास 12 के बच्चे को फोन दिया जाएगा या 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो कैसे प्लान किया जाए कि डायरेक्ट उस बच्चे के हाथ में ही वो पैसा मिले. ये तो प्लान करना होगा. जैसे पहले की कितनी सरकारें ऐसी आती थी जब वहां से पैसा निकलता तो था लेकिन जिसके लिए निकला है उसको मिलता नहीं था या मिलता था तो बहुत कम मिलता था. तो ये प्लानिंग किसकी काम है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है. उसने मतलब सरकार ने कहा है कि देखो भैया ये तुमको जिम्मेदारी दी जा रही है, पहुंचाना चाहिए. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. बजटिंग मतलब पैसा भी तो तैयार करना होगा कि कितना रुपया लगेंगे इन सारे कामों में. तो ये सारा काम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है. तो उम्मीद करते हैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया होगा. धन्यवाद.